हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपनी बात करेंगे क्लास फर्स्ट के सेकंड एक्सरसाइज के पेज नंबर 16 की। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे इसमें जो अपने को बताया गया है वो है ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में। ठीक है, अब ये वाला जो साइन होता है, सॉरी मार्कर नहीं लिया मैंने, ये वाला साइन है अपना, ये वाला होता है, आप साथ में लिख लो अपनी रफ में। ठीक है, इसमें इसको आपको अच्छे से अपने को रट लेना है। ठीक है ना, ग्रेटर देन GREATERTHAN। ठीक है, ये ग्रेटर देन, और ये वाला होता है लेस देन का। ठीक है, लेस LESS लेस देन। ठीक है, अब बताऊंगा, ठीक है अब बताऊंगा कैसे इनको अपने को पुट करना है दो नंबर के बीच में। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, और ग्रेटर देन का मतलब से बड़ा, यानी किसी चीज़ से बड़ा। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब से बड़ा। ठीक है, अब देखना ध्यान से कैसे। अब मान लीजिए कोई नंबर है 5। एक बात तो अपने को ये ध्यान रखनी है, ये जो इसकी नोक होती है, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों की जो नोक होती है, ये हमेशा छोटी डिजिट की तरफ रहनी चाहिए। ठीक है, इसको हमेशा अपने को छोटी डिजिट की तरफ रखना है। ठीक है, ये अपने को इस नोक को ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं अपने। मान लीजिए 5, और ये दोनों काम क्यों आते हैं, ये का अपने करते हैं, ये कंपेरिजन करते हैं कि नहीं दो नंबर्स का। ठीक है, कंपैरिजन के काम में ये ले जाते हैं अपने। ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यही पढ़ रहे हैं आज अपने। ठीक है, मान लीजिए 5 और 2 कोई दो नंबर हैं, या कंपैरिजन इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा, सबको पता है ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, अब सुनना, मैंने बोला जो नोक है, अगर इनमें मैं पुट करना चाहूँ ग्रेटर देन और लेस देन को, तो कौन सा इसमें साइन आएगा देखना। नोक को छोटी डिजिट की तरफ रखना है अपने को, मैंने ये रख दिया और नोक मैंने छोटी डिजिट की तरफ रख दी। ठीक है, ये हो गई मेरा, अब ये सही साइन पुट किया है मैंने। ठीक है, अब इसको मैं रीड कैसे करूँगा। अब ये साइन जो है ये ग्रेटर देन का है। ठीक है, ये ग्रेटर देन का है, ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि नोक की तरफ यानी इस साइड से ये अपने डिजिट जो है बड़ी है। ठीक है, अपने कैसे पढ़ेंगे इसको, 5 is greater than। ठीक है, क्योंकि ये साइन है ग्रेटर का। ठीक है, 5 is greater than 2, क्योंकि 5 बड़ा है, वैसे ही दिख रहा है 5 क्या है इसमें बड़ा है, या तो 5 is greater than 2 दो से। ठीक है ना, 5 2 से क्या है बड़ा है। अब मान लीजिए कोई नंबर है 6 और 7। अब सुनना ध्यान से, यहाँ इस साइड में नंबर छोटा है तो नोक अपने को इस साइड में करनी, जिस साइड में भी नंबर छोटा होगा उस साइड अपने को नोक अपने रख देनी है। ठीक है, मैंने रख दी है नोक। अब ये जो है ये साइन जो है वो लेस देन का है, यानी इस साइड में जो नोक होती है ना, इस साइड में वो साइन होता है अपने लेस देन का। ठीक है, अब 6 है, मान लो 6 छोटा है, वैसे ही सबको पता है 6 is less than, 6 क्या है छोटा है, less than 7, 6 is less than 7, ऐसे अपने को इसको रीड करना है। ठीक है, मान लीजिए एक नंबर और है, मैं दे रहा हूँ अभी 50 और 67। अब जो नंबर छोटा है उसकी तरफ अपने को क्या करनी है, नोक करनी है, तो मैंने कर दी। अब सबको पता है नंबर छोटा है और ये साइन भी किसका है, लेस देन का है, तो 50 क्या है छोटा है। ठीक है, 50 is less than 67, ऐसे इसको रीड करना है। रीड करना भी अपने को आना चाहिए, अपने साइन तो पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन ये नंबर कैसे अपने को रीड करनी है पूरी ये स्टेटमेंट, वो अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब मान लीजिए अपने को क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट जो है, अब आपको देखना है, देखना ध्यान से, राइट जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने को काउंट करने हैं। ठीक है, लिखने हैं एंड पुट दी, ये ऑब्जेक्ट कितने अपने को लिखने हैं, एंड पुट दी साइन ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल। इक्वल का मतलब जब दो वैल्यू इक्वल हों, यानी टू इधर ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, दोनों इक्वल हैं,
तो इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। बीच में न तो ग्रेटर देन आएगा न ही लेस देन, ठीक है। तो चलिए अपने करते हैं, देखना ध्यान से, इसमें देखना अपने करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब ये वाले जो हैं इस साइड वाले और ये इस साइड वाले अपने को दे रखे हैं, ठीक है। अब ये काउंट करने हैं अपने को। अब इसमें 1 2 3 4 लिख दो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है इसमें, ठीक है। अब साइन अपने को लगाना है, तो इक्वल का तो आएगा ही नहीं क्योंकि बराबर तो नहीं है दोनों ये। अब छोटी इस साइड में है तो नो की साइड में कर दो आप, ये लो मैंने पुट कर दिया साइन, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये लेस देन का साइन है और ये लेस भी है, छोटा भी है। फोर क्या है, छोटा है, तो फोर इज लेस, लेस का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो फोर इज लेस देन फाइव, ठीक है, ऐसे अपने को राइट करना है ये, ठीक है। अब देखना ध्यान से आगे, ये आठ दे रखी है अपने को, चिंटियाँ दे रखी है, सुनना ध्यान से, अभी मैं काउंट करूँगा इनको, ये लो, ठीक है। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड में 8 हैं और इस साइड में 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही यहाँ पे हैं। आप काउंट कर लेना बुक में से देख के आराम से, तो दोनों इक्वल हैं, ना तो ग्रेटर देन का आएगा ना ही लेस देन का आएगा, दोनों इक्वल हैं तो किसका आएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया। अब नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन हैं वो आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। बिल्कुल लीजिए, ऑब्जेक्ट काउंट करने अपने को, ये केप दे रखी है और ये अपने को फ्रॉक दे रखी है, ठीक है। इनको काउंट करना है आराम से और बीच में साइन पुट अपने को करना है, इक्वल का आएगा लेस देन का आएगा या ग्रेटर देन का आएगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, राइट दी फ्लोविंग इन वर्ड्स, इनको वर्ड्स में पढ़ना है अपने को, पढ़ना है इनको, दे रखा है साइन जो है इनको, इनमें इनमें पुट कर रखा है, ठीक है। और अपने को क्या करना है, इनको रीड करना है, ठीक है। जैसे इसने इसको लिख रखा है, अब सिक्स क्या है, थ्री से बड़ा है और साइन भी ग्रेटर देन का है, वैसे भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ग्रेटर देन का साइन है तो सिक्स वैसे भी बड़ा है, तो आप वैसे भी सिक्स को बड़ा ही पढ़ोगे, सिक्स इज ग्रेटर देन थ्री, ठीक है। अब थ्री इज लेस देन फाइव, कैसे लिखना है, थ्री इज लेस देन फाइव, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आगे वाला, एट इज इक्वल टू एट, ठीक है, एट इज इक्वल टू एट, एट के इक्वल में क्या है, एट है, इसको ऐसे अपने को इज इक्वल टू है, एट इज इक्वल टू एट, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, टू इज लेस देन, क्योंकि लेस देन का साइन है और टू वैसे भी छोटा है तो इसको छोटा ही पढ़ेंगे, टू इज लेस, टू क्या है, लेस है, टू इज लेस देन सेवन, ठीक है, सेवन से छोटा है, टू इज लेस देन सेवन, ये हो गया। नाइन इज इक्वल टू नाइन हो गया, ठीक है, फोर बड़ा है यहाँ पे, है ना, और किससे, वन से, दोनों साइड में नंबर देख लिया कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है उसके हिसाब से पढ़ लिया कर गया, तो ठीक है, फोर इज ग्रेटर देन वन, ये भी अपना हो गया। अपने को लिखने हैं यहाँ पे, जो भी मैं वर्ड जैसे इसने लिख रखा है, इसने बोल भी रखा है, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है, एक आपके लिए किया गया है, तो ये इसने कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अपने को ये लिखने, अपने रीड करने इनको और राइट भी करने हैं, सामने अपने जगह काफ़ी है तो ये अपने को करना है, तो ये अपना हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नेक्स्ट डे।